फूट डालो राज करो, ये कहावत अक्सर हमें अंग्रेजी राज के बारे में सुनाई जाती है, लेकिन भारत के मनुवादी भी सदियों से दलितों, आदिवासियों और बहुजन समाज में फूट डालकर राज करते आ रहे हैं। लेकिन उनके बारे में डिवाइड एंड रूल की ये कहावत कोई नहीं कहता। दलित को दलित से भिड़ा दो, आदिवासी को आदिवासी का दुश्मन बना दो और ओबीसी को ओबीसी के सामने खड़ा कर दो, मनुवादियों की साजिश सदियों से चल रही है। इसी कड़ी में सवर्ण हिंदुओं के संगठन आरएसएस ने अपनी अगली चाल चली है। आरएसएस ने एससी एसटी के आरक्षण में बंटवारे के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पत्रिका की खबर के मुताबिक आरएसएस ने कह दिया कि वो कोटे के अंदर कोटे का समर्थन करेगा। पत्रिका अपनी खबर में छापता है, एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी पसंद आया है। संघ कोटे में कोटा के समर्थन में है। इतना ही नहीं, संघ इस फैसले को सरकारी नौकरी में ही नहीं राजनीतिक क्षेत्र में भी आजमाने का पक्षधर है। संघ के आंतरिक बैठकों में लंबे विमर्श और मंथन के बाद संघ ने अपनी राय बनाई है। संघ ने इस संबंध में कुछ राज्यों में पूर्व में किए गए अपने अध्ययनों को आधार बनाया है। संघ ने पाया कि आरक्षण व्यवस्था जातीय भेदभाव समाप्त करने और वंचितों को आर्थिक और सामाजिक तौर पर बराबरी पर लाने के लिए प्रारंभ की गई थी। वर्षों बाद अब ये देखा जा रहा है कि वंचित वर्गों में भी कुछ परिवार तो मुख्य धारा में शामिल होकर सक्षम हो गए हैं और अनेक परिवार वहीं के वहीं हैं। सूत्रों के अनुसार संघ का मानना है कि इससे वंचित वर्ग में भी भेद हो गया, अब पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण का चुनिंदा परिवार ही लाभ उठा रहे हैं। इसी कारण क्रीमी लेयर की बात वाजिब हो जाती है। आरएसएस की ये सोच सिर्फ नौकरी और शिक्षा में मिले आरक्षण को बांटने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आरएसएस ये भी चाहता है कि एससी एसटी के लिए विधानसभा और लोकसभा की सीटों में दिए जाने वाले आरक्षण में भी बंटवारा होना चाहिए। पत्रिका ने आगे छापा कि आरक्षित सीटों पर भी ध्यान जरूरी है। अनौपचारिक चर्चाओं में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि नौकरियों के साथ ही आरक्षित अनुसूचित जाति व जनजाति की सीटों से विधानसभा और लोकसभा में चुने जाने वालों का अध्ययन भी आवश्यक है। संघ ने कुछ राज्यों में पाया कि इन सीटों पर वर्षों से एक ही परिवार के लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, इससे वहां उसी वर्ग के दूसरे परिवार राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ उदाहरण संघ के ध्यान में आए हैं। भारत की संसद में एससी एसटी के 131 सांसद हैं, लेकिन उन्हें शायद लगता है कि मामला तो शिक्षा और नौकरियों में मिले आरक्षण में बंटवारे का है, उनका आरक्षण तो सेफ है, इसीलिए वो कुछ बोलते नहीं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम्हारा समाज ही टूट जाएगा और समाज ही एकजुट नहीं रहेगा तो तुम्हारा राजनीतिक आरक्षण भी ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, तुम्हारी कुर्सी भी जाने वाली है, आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर भी ज़रूर आएगा। आरएसएस के लोग खुलेआम आरक्षण को खत्म करने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में आप इसे पूरे खेल को समझ सकते हैं कि कैसे आरक्षण में बंटवारा करके दलितों और आदिवासियों को बांटने की साजिश हो रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2015 में बिहार इलेक्शन के दौरान ये बयान दिया था कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। समय समय पर आरएसएस आरक्षण को खत्म करने की मंशा जाहिर करता रहता है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताते हैं, एक खबर देते हैं जो आपको हैरान कर देगी। आप सब जानते हैं कि 1 अगस्त को आरक्षण में बंटवारे के लिए एससी एसटी के आरक्षण में भेद करने के लिए वर्गीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, लेकिन इस फैसले में क्रीमी लेयर लागू करने का सुझाव भी दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी लेयर की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले ओपी शुक्ला और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच मुलाकात हुई थी। आप ओपी शुक्ला की बात को जानते हैं तो ये बात ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आप नहीं जानते तो आपको समझना होगा कि कैसे आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है। ओपी शुक्ला इस मामले में पेटिशनर हैं, यानी उन्होंने एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग की है, और मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जिसमें उनके आरएसएस कनेक्शन की बात सामने आई, आप खुद ही सुनिए। क्रीमी लेयर आपने ये तो सवर्णों का ये तो आरएसएस का एजेंडा है, आप एक बात ये तो आरएसएस का एजेंडा है। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता उनका क्या एजेंडा है, मुझे उनसे कोई लेना देना पर अमीरी क्या। भाई एक बात सुनिए, मैं तो 70 से ये कानून को पढ़ रहा हूँ, आरएसएस से मेरा क्या लेना देना। आरएसएस का देखिए सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे पास तो ये भी खबर है कि आप मोहन भागवत से मिले थे, मिला हूँ ना, और मोहन भागवत ने कहा कि क्रीमी लेयर पे आप जो है पिटीशन डालो। मैं वो कहीं को कहेंगे मुझे, मैं तो उससे पहले बैठा हूँ, तो अब मिला कब। चलिए अब आप यही बताइए कि मैं मोहन भागवत से मिला हूँ, कब मिला हूँ, मिले थे आप, मुझे मेरी बात का जवाब। मिले थे, मिला हूँ, कब मिला हूँ आप बताएं, कब मिला हूँ। तब तक तो मैं सुप्रीम कोर्ट में था, कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन। नहीं, आप जो मर्जी कहें, इसका जो मर्जी अर्थ निकाले, मुझे तो बुलाया गया। क्या बात हुई थी मोहन भागवत? नहीं सुनिए, मेरे को भागवत से क्या बात, मेरे साथ तो मेरे को तो बुलाया गया, मुझसे पूछा गया ये क्या मसला है आपका सुप्रीम कोर्ट में। जब मैं 2010 में गया, 2011 में गया, तो मुझे तो पूछा गया कि आपकी क्या लड़ाई है। मैंने कहा मेरी लड़ाई तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है,
मेरी लड़ाई तो सामाजिक न्याय की लड़ाई, मैं तो वंचितों की लड़ाई लड़ता हूँ। और वंचित में कोई जाति हो, जाति की मैंने बात नहीं की, कोई भी जाति है, कंजर जाति के लोग गिनती भर लोग हैं, वो कहते हैं साहब हमारा कौन नेता। मैंने कहा मैं लड़ूंगा तुम्हारी लड़ाई, कंजर की लड़ाई लड़ूंगा, वाल्मीकि का जिक्र कहीं भी नहीं मिलेगा आपको पिटीशन में। तो मैंने तो उनसे कहा जी मैं तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, पोलिटिकल हूँ नहीं मैं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो सामाजिक न्याय दिला के जाऊंगा, ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। जब तक जिंदा है मैं वंचितों की लड़ाई लड़ूंगा, वंचितों को न्याय दिला के जाऊंगा। वो कहने लगे हम आपके साथ हैं, तो इसमें क्या बुराई है? अगर वो मुझे कह रहे हैं आपको मोहन भागवत का साथ मिला हुआ है, अब आप उसका कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं? आप मुझे तो कोई भी बुलाएगा मैं उसके पास जाऊंगा, मुझे न्याय चाहिए। देखिए अभी इसमें हंसने की और इसको इधर उधर से इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं, आप इसको गलत मैसेज ना दें कहीं किसी को। मुझे मैं तो कांग्रेस के पास भी गया, तो कोई मैसेज नहीं, जनता खुद ही मैसेज ढूंढ रही है। ठीक है, ठीक, मैं ये कहता हूँ मेरे को न्याय चाहिए, मैं सब जगह जाऊंगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे आरएसएस दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को बांटने की पूरी कोशिश कर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह एससी एसटी ओबीसी को मिले आरक्षण को सही तरीके से लागू करवाती, जो लोग पिछड़ गए हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम बनाकर और स्पेशल ड्राइव चलाकर उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाती, लेकिन सरकार अपना काम नहीं कर रही और उल्टा दलितों को दलितों से, आदिवासियों को आदिवासियों से और ओबीसी को ओबीसी से लड़वा रही है। यह आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। बसपा अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने तो ये तक कह दिया कि ये आपातकाल है। हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं, क्योंकि इनको इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं, तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि एससी में या एसटी में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगभग 90% लोग जिनको अभी आरक्षण की ज़रूरत है, तो वो तो और ज़्यादा पिछड़ जाएंगे, उनको ये आरक्षण अब मिलेगा नहीं। इस निर्णय के अनुसार यदि उन जातियों को निकाल दिया जाएगा, बहुत बुरा हुआ है ये। और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम एससी एसटी समाज के हिमायती हितेशी हैं, उनको चाहिए। पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। कांग्रेस ने बेबी ढुलमुल रवैया अपनाया। ऐसी स्थिति में मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है, तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची मिलाएं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे। और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी एससी एसटी के और ओबीसी के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं है। ऐसे वक्त में अब सबकी जिम्मेदारी है कि हम आपस में एकता बनाए रखें, एक दूसरे को दुश्मन ना समझें, बल्कि आपस में बात करें और इस मसले पर अपनी कोई राय बनाएं। सरकारें नहीं चाहती कि बहुजन समाज एकजुट हो और वो आगे बढ़े, इसलिए वो तमाम तरीके की ये रोड़े अटकाती रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें इन साजिशों को समझना होगा कि कैसी साजिशें चल रही हैं, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और आपस में संवाद ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये बात जो हम आपको बता रहे हैं उस पर आपका क्या ओपिनियन है? आरएसएस के स्टैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर लिखें, बहुत ज़रूरी मसला है। वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, इस पर लगातार एक मंथन की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को, द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील।
साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।